हमेशा हम बोलते थे अवाम दोस्त बजट, ये अवाम दुश्मन, हम कोई लेन देन नहीं करेंगे वरना हम फैक्ट्रिया बंद करेंगे। अच्छा, आपके फाइनल टैक्स रिजिम में डाल दिया, फाइनल टैक्स रिजिम में आप एक्सपोर्ट बढ़ा दो। तो भाई ऐसे नहीं होता, मैं आपके हाथ पैर बांध के बोलू की आप दौड़ो, कहाँ से दौड़ो। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पी एच एम ए में, पाकिस्तान हाउसिंग मैनुफेक्चरिंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, जहाँ पर मुख्तलिफ एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स, चेयरमैन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार यहाँ पर ताजिर बरादरी के साथ एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज न्यू टैक्स रिजीम के खिलाफ है जो हुकूमत ने अपने नए बजट में अनाउंस किया है, और इसके अलावा इनकम टैक्स रेट में जो इजाफा हुआ है उसके खिलाफ यहाँ पर शदीद एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बचाओ, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बचाओ। और जो एसोसिएशन आज यहाँ पे शरीक हैं, उनमें कौन कौन सी एसोसिएशन है तो उनके बारे में, और यहाँ पे क्या क्या मुतालबात हैं, तो सबसे पहले तो उन मुतालबात पे नज़र डालते हैं, उन एसोसिएशन पे नज़र डालते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जनाब ये यहाँ पर SOS के बैनर्स लगे हुए हैं कि हुकूमत के टैक्स एडवाइज़र्स के मुताबिक अगर एक्सपोर्टर बहुत मुनाफा कमा रहे हैं तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्टर्स कम क्यों हो रहे हैं, टैक्स एडवाइज़र्स जवाब दें। ये जनाब यहाँ पर मेंशन है कि जी ज़ीरो रेटिंग रेजाइम का खात्मा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये जनाब यहाँ पर मेंशन है कि जी एक्सपोर्टर पर इजाफी टैक्स लगाने से एक्सपोर्ट में कमी होगी जिसका नतीजा बेरोज़गारी में इजाफा होगा। और यहाँ पर है किसी एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में रजिस्टर्ड लोकल सप्लायर की ज़ीरो रेटिंग ख़त्म करके 18% सेल्स टैक्स के इतलाक से मज़ीद लिक्विडिटी के मसाइल बढ़ेंगे। और जो एसोसिएशंस इनमें शामिल हैं इन एहतजाज में, मेन एसोसिएशन जो हैं उनमें हैं पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन PHMA, पाक्सी पाकिस्तान निटवेयर स्वेटर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान कॉटन फैशन अपैरल मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन PCFA, टॉवल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन TMA, पाकिस्तान क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन PCFA, और इसके साथ मौजूद हैं प्रेग्निया पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन, पाकिस्तान डेनिम मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान बेडवेयर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान बेडशीट अपहोजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये हैं और पाकिस्तान वैल्यू एडेड टेक्सटाइल एसोसिएशंस। जनाब अब हम चलते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको जावेद बिलवानी साहब चेयर कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि सहाफ़ी हज़रात जो है सवालात क्या उठा रहे हैं, और बिजनेस कम्युनिटी ताजिर बरादरान जो हैं यहाँ पर अपने कौन से मुतालबात रख रहे हैं, उनका क्या आगे लाहे अमल है। इस वक्त मुख्तलिफ एसोसिएशन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, अहदेदार हैं, चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के लीडिंग बड़ी चैम्बर्स हैं, वो जूम के थ्रू फिज़िकली भी और जूम मीटिंग्स के थ्रू भी यहाँ पर सब जमा हैं और सब अपने अपने तहफ़ुज़ात जो है लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो जो उनको कंसर्न है वो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं मीडिया को। फॉरेन एक्सचेंज कमाने वालों को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को सजा देना चाहती है। बजट बनाते वक्त किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया और ज्यादातर नहीं मानते, ज्यादातर हमारी सजेशन डस्टबिन में डाल देते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का यह हाल है, यही वजह है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ नहीं पा। तमाम एक्सपोर्ट एसोसिएशन, जितनी है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट एसोसिएशन है,
वो इन्होंने जो फैसले किए हैं उन सब के खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए, एक जगह जमा हो गए, मगर इनको कोई एहसास नहीं है। सब ने मुझे यही कहा कि हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट तबाह हो जाएगी और बंद हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये हमेशा क्या कहते हैं कि एक्सपोर्टर टैक्स नहीं देते, अगर ये हमें ऑन बोर्ड लें तो ये एक्सपोर्ट एसोसिएशन बिल के इनको बताएगी कि हम कितना टैक्स देते हैं। अगर हम बंद हो गए तो 500 अरब का टैक्स बंद हो जाए। टैक्स रिजीम से निकाल के लेके आए नॉर्मल, उसके लिए तमाम चैंबर्स ने एनोमली के अंदर डाला है, हमने भी डाला है और उन्होंने ये रिकमेंडेशन भेजी है एनोमली ने कि ये एक्सपोर्ट के खिलाफ बात है और इसको आप वापस उसी पोजीशन में लेके आए जिस पोजीशन में था। ये तमाम चैंबर की ये गुजारिश थी। हमने किस बात में एडवांस टैक्स देना? तो अब आप ये देखिए कि पहले हम एफडीआर देंगे, दूसरा 1% एडवांस टैक्स देंगे, उसके बाद हम तमाम जिनकी इंडस्ट्री सर्टिफिकेट लेते थे उसमें कमिश्नर की पावर जो विड्रॉ हो गई है तो उसमें अब हम मुकम्मल या आधा उसका भी एडवांस टैक्स देंगे। तो ये जो मिसकंसेप्शन है एक्सपोर्टर्स अपना ड्यू टैक्स नहीं दे रहे, तो इसमें गलत नैरेटिव प्रिंट किया गया। मैं तो ये समझा शायद 300 बिल बिजनेस की बात होगी, हमारे बजट के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात होगी, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो दबाने की बात होगी एक्सपोर्टर को। गद्दारी में कहूंगा, गद्दारी में अल्फाज डालियो, मैं खुद भी कहता हूँ ये पाकिस्तान नहीं, ये बजट नहीं बना सकता अपने मुल्क के खिलाफ। आज एक्सपोर्टर की अगर 29 बिलियन की एक्सपोर्ट है, अगर ये घट के कम आएगी तो उसके बाद हम डॉलर कहाँ से लेके आएंगे? जो बजट 2024 और 25 को हम इसको क्लियर ही पूरे पाकिस्तान से जितने भी इसको रद्द करते हैं। एक साहब ने बोला कि हमें एक्शन प्लान देना होगा, इस्लामाबाद जाकर एहतजाज करना होगा, फिर अभी आपने कहा फैक्ट्रियां खुद बंद नहीं करेंगे, बंद हो जाएंगी, करने का जा रहे हैं, मैंने तो लायमल बता दे हम इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद अगर हमें ऑन बोर्ड नहीं देंगे और हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम मुल्क पूरे में एहतजाज करेंगे और एहतजाज के अंदर हम एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर एक एक्सपोर्ट ब्लैक डे बनाएंगे जिस दिन पूरे पाकिस्तान से कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा और जीरो रेटिंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान को अलग से मुल्क नहीं है, इसलिए एक पूरी दुनिया के अंदर एक ही कानून है कि एक्सपोर्ट जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। वैसे बुजुर्ग लोगों ने कहा है कि आपके पास अपनी अकल ना हो तो किसी अकलमंद के पीछे लग जाओ तो कुछ ना कुछ सक्सेस हो जाओ, तो किसी अकलमंद मुल्क है जो एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है और ग्रोथ कर रहा है उसकी नकल कर लो आप, फिर आप देखो कि हम कर सकते कि नहीं कर सकते। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ ये एहतजाज पे, यहाँ पर पूरा एक एहतजाज हो रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है एक पूरा शदीद एहतजाज है और जिसमें जुनेद माकड़ा साहब, जावेद बिनवानी साहब चैनल्स को बता रहे हैं अपना लाहे अमल और अपनी जो डिमांड्स हैं ताजिक बरादरी की, कम्युनिटी की, वो सारी डिमांड यहाँ पर कम्युनिकेट की जा रही हैं और सारा मीडिया बहुत बड़ा भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की चैम्बर्स और एसोसिएशन सब यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान का जो नया बजट प्रेजेंट किया गया है 2024-25 उसको रद्द किया जा रहा है। तमाम ताजर बरदरी बिजनेस कम्युनिटी ने उसको रद्द कर दिया है, इंडस्ट्री लिस्ट ने कहा है कि इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो तबाह हो। दुश्मन बजट नामंजूर।
जनाब, आज की इस रिपोर्ट में जो हमने आपको चीज़ें दिखाई हैं उन सब का ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, और मैं खुद एज अ सेक्रेटरी जनरल फ्रेक मियां बिजनेस कम्युनिटी का सपोर्ट का ऐलान करता हूं। और इस वक्त आप लोग बैम न्यूज़ देख रहे हैं। बैम न्यूज़ में हम इन सारी प्रोसीडिंग्स को आप लोगों तक लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं बैम न्यूज़।